47 सेकंड के इस वीडियो को देखिए, देखकर आपका कलेजा फट जाएगा। जो शख्स हेलमेट लगाए पीट रहा है, जिसके बगल में मोटरसाइकिल गिरी हुई है, उस शख्स का नाम है अमृतांशु वत्स। लॉ कॉलेज का छात्र है अमृतांशु। भूतनाथ रोड पटना का रहने वाला है अमृतांशु। किसी कारणवश उसके तमाम दोस्त दुश्मन बन बैठे और जिस तरीके से उसकी पिटाई की, लग रहा था मानो आज मार ही देना है। तस्वीरों में देखिए, पहले हेलमेट से दे दनादन, दूसरे शख्स ने बड़ेठा उठाया, बांस के बड़ेठे से दे दनादन। एक बार नहीं, बार बार। एक शख्स पकड़े हुए था, दूसरा शख्स पीट रहा था, तीसरा थक जाता था तो चौथा हाथ लगाता था, पांचवा, छठा, सातवा, पटापट पटापट बांस के बड़ेठे से दौड़ा दौड़ा कर मारा। पटना की सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि सनसनी फैल गई। लगातार पीटते इस लॉ के छात्र को लगभग सभी लोगों ने देखा, मगर किसी ने बचाने की जरूरत नहीं की, क्योंकि ये तांडव उसके ही दोस्तों का था। पिटाई का ये मात्र 40 सेकंड का वीडियो, लेकिन जितनी खतरनाक ढंग से पिटाई हुई, हेलमेट से, बैट से, बांस के फट्टे से, इतने देर में अमृतांशु पूरी तरीके से चोट से ग्रसित हो गया। मामला जब यहां से निकला तो अमृतांशु ने बदला लेने की को सोची। आपको बता दें कि अमृतांशु एक महीने पहले की इस वीडियो को द HD न्यूज पुष्टि नहीं करता है। एक महीने पहले का है ये वीडियो। लॉ कॉलेज का छात्र अमृतांशु वत्स पीरबहोर में इस मामले को लेकर रिपोर्ट भी दर्ज कराता है, मगर रिपोर्ट के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। इतना ही नहीं, जब बदमाशों ने सैदपुर छात्रावास के 3 छात्रों की हत्या का ताना बाना बुना, इसके लिए 10 अपराधियों के गिरोह को शामिल करना पड़ा, तब जाकर अमृतांशु इस गिरोह का सुल्तान बन बैठा, किंग बन बैठा, सरगना बन बैठा। उसने हथियार और गोला बारूद भी मुहैया कराया, हथियारों की तस्करी भी शुरू की। 3 छात्रों को मारने से पहले पटना पुलिस ने गिरोह के सरगना यानी कि अमृतांशु को शास्त्री नगर, सैदपुर और पटेल छात्रावास में रविवार देर रात छापेमारी करके गिरफ्तार कर लिया। 10 अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार, कारतूस, मोबाइल, कार और बाइक भी बरामद की है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार अमृतांशु वत्स HIG कॉलोनी भूतनाथ का रहने वाला है, लॉ कॉलेज का विधि का छात्र है। उन्होंने अपने पिता डॉक्टर अमितेश चंद्र को वकील बताया है। CTSP सेंट्रल अमरीश राहुल और सचिवालय ASP काम्या मिश्रा ने बताया कि अमृतांशु वत्स पीरबहोर थाने के सैदपुर छात्रावास के 3 अज्ञात छात्रों के खिलाफ मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद से मारपीट करने वाले 3 छात्रों से इसका मनमुटाव हो गया। उसने 3 छात्रों की हत्या के लिए 9 अपराधियों को फंसाया था। कुल मिलाकर देखें तो मारपीट के इस वीडियो के बाद साजिश का खुलासा पटना पुलिस ने किया। पटना से क्राइम रिपोर्टर अनु प्रकाश की रिपोर्ट।